हिमाचल प्रदेश सरकार के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सचिव और 2017 में अर्की निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान में भाजपा उपाध्यक्ष रतनलाल सिंह को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ विनोद शर्मा ज्वाली, रामगोपाल शर्मा बद्दी, हरिबल्लव कौशल नैना देवी विलासपुर एवं सुरेंद्र सिंह पांटा भराड़ी शिमला से सदस्य बनाए गए हैं। रतन पाल सिंह ने इस नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला ब्यूरो की रिपोर्ट।